तो देखो भाई, आजकल ना फ्री फायर में हर एक प्लेयर भैया SMG और शॉर्ट गन के बीच में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और भाई इसी के चलते ना कभी कभार तो बंदूक के बीच में बवाल भी छिड़ जाता है। अरे ओ दो सिंह वाले, कभी मैदान में आओ तो MP40 का स्वाद चखाते तुमको कि हेडशॉट कैसे लगते हैं। अच्छा मजाक कर लेते हो भाई, जब तक तो तू MP40 से ड्रैग लगाएगा ना तब तक तो भाई शॉर्ट गन से वन टैप लगाकर बाहर फेंक दूंगा। बस भाई अभी तेरा बहुत हो गया, SMG गन सबसे बेस्ट गन होती है। अबे क्या मजाक कर रहा है, शॉर्ट गन सबसे बेस्ट है। जा बेटा तू मुंह धो के आ। देख भाई अभी कुछ ज्यादा ही बोला है, SMG बेस्ट होती है, शॉर्ट गन बेस्ट होती है। SMG शॉर्ट गन, SMG शॉर्ट गन। तो देखो भाई यही चीज मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि बंदी पटाने के लिए SMG बढ़िया रहती है या फिर शॉटगन। एक सेकंड भाई, यहाँ पर थोड़ा सा गलत बोल दिया। भाई मेरा मतलब था कि हेडशॉट लगाने के लिए SMG बढ़िया रहेगी या फिर शॉटगन, मतलब कि भाई आप किस गन को यूज करके बंदों को बड़ी आसानी से हेडशॉट लगा सकते हो। ठीक है, तो बस उसके लिए ना वीडियो को पूरा देख लेना बिना स्किप किए, और भी मेरे को ना एक चीज कमेंट करके बता देना कि अभी फिलहाल आप कौन सी गन से ज्यादा यूज करते हो। SMG में MP40 और UMP से बंदों को ड्रैग हेडशॉट लगाते हो या फिर शॉटगन से बंदों को वन टैप मिलते हो, ये चीज मेरे को कमेंट करके बता देना। और भी चैनल पे अगर नए हो ना तो वो जो नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना उस पे फटाक से क्लिक कर दो, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। और भाई किसी महापुरुष ने कहा था कि फ्री का माल ना कभी छोड़ते नहीं, तो सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक कर देना। अभी गाइस यार बात करते हैं हमारी फर्स्ट टिप की, जो कि है रेंज का झोल। तो देखो गाइस यार, इन दोनों ही गन्स की कैटेगरी में ना रेंज का बहुत बड़ा झोल है, मतलब कि रेंज में काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो देखो गाइस यार, किसी भी SMG गन से ना मिड रेंज में हेडशॉट लगाने काफी ज्यादा आसान होता है। अभी गाइस यार मान लीजिए कि ये जो फाउंटेन है ना, इसके पीछे बंदा छुपा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर डिस्टेंस है 14-15 मीटर के आसपास। तो यहाँ से अगर मैं SMG चलाऊंगा, SMG से हेडशॉट लगाने का ट्राई करूंगा तो भाई बड़ी आसानी से लग जाएगा। वहीं पर अगर भाई मैं M87 से बंदे को हेडशॉट लगाने जाऊंगा ना, तो पहली बात तो हेडशॉट नहीं लगेगा, दूसरी बात गन इतनी ज्यादा रिकॉइल हो जाएगी कि बॉडी शॉट भी ठीक से नहीं लगेगा, क्योंकि भाई सीधी सी बात है किसी भी शॉट गन की रेंज ना इतनी ज्यादा नहीं होती, और ऊपर से भाई M10-14 की रेंज तो और भी ज्यादा खराब है। तो देखो भाई सीधी सी बात है, अगर आप शॉट गन को यूज करोगे तो आपको काफी ज्यादा क्लोज रेंज में जाना पड़ेगा, वहीं पर भाई अगर आप SMG यूज करोगे तो मिड रेंज के साथ साथ आप क्लोज रेंज में भी बंदों को हेडशॉट लगा सकते हो। तो भैया यहाँ पर रेंज के मामले में तो आपको SMG गन्स में ज्यादा एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है, और कभी कभार तो भाई मिड रेंज से ज्यादा दूर भी बंदा हो ना फिर भी आप उसको पेल सकते हो, अगर आपके पास कोई इन स्कोप वाली गन हो जैसे कि UMP और MP5। तो भाई डेफिनेटली रेंज के मामले में यहाँ पर SMG ज्यादा बढ़िया रहेगी। ठीक है, तो गाइस अभी बात करते हैं हमारी सेकंड टिप की, जो कि रिस्क एंड रिकॉइल इन SMG एंड शॉट गन। तो देखो गाइस, अगर आपके शॉट गन से वन टैप लगाने की एक्यूरेसी इतनी सही नहीं है ना, फिर भी आपको डेफिनेटली वन टैप लगाना थोड़ा सा रिस्की लगेगा। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी एकदम मस्त है, अगर आपके क्लोज रेंज में बहुत अच्छे खासे वन टैप लग जाते हैं ना, फिर तो गाइस सर आपको ना कोई भी SMG वाला बंदा क्लोज रेंज में नहीं पेल पाएगा, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है किसी भी SMG गन से ना क्लोज रेंज में पहली गोली हेड पे नहीं लगती। ठीक है, मतलब कि 3-4 गोली पहले बॉडी पे लगती है और फिर हेडशॉट लगना स्टार्ट होते हैं। और गाइस सर मुझे पता है कि ये चीज ना आपने भी काफी ज्यादा नोटिस की होगी, ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख ही सकते हो भैया क्लोज रेंज में बंदा है और भाई 3-4 शॉट पहले बॉडी पे लगे और उसके बाद सारे हेड पे लगे, और वहीं पर भाई आप शॉट गन से ना किसी भी बंदे को एक ही शॉट में ढेर कर सकते हो वन टैप लगाकर। लेकिन भाई वन टैप लगाने में थोड़ा सा रिस्क रहता है, लेकिन ये रिस्क ना कम किया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके। ओके, तो गाइस अभी जरा बात कर लेते हैं रिकॉइल के बारे में। तो देखो भाई, रिकॉइल तो SMG भी होती है और शॉटगन भी होती है, डिपेंड करता है आप पर कि आप रिकॉइल को कैसे हैंडल करते हो। जैसे कि भाई अगर आप M10 से 5-6 शॉट एक ही बार में चला दोगे, UMP के 30-40 शॉट एक ही बार में खाली कर दोगे ना, फिर तो भाई साहब SMG हो या फिर SG, रिकॉइल तो बहुत ज्यादा होगी। तो देखो भाई सीधी सी बात है, आप SMG चला रहे हो या फिर शॉटगन, आपको ना किसी भी गन में एक ही बार में पूरी मैगजीन खाली नहीं कर देनी है, हमेशा गैप ले लेकर शॉट चलाने। मतलब कि भाई मान लीजिए UMP के 10 शॉट चलाए, ग्लोवर डाल दी, फिर 10 शॉट चला के हेडशॉट लगाने का ट्राई किया, नहीं लगा, ग्लोवर डाल दी, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको गैप ले लेकर शॉट चलाने। ऐसा करने से आपकी गन काफी कम रिकॉइल होगी, और भाई बेसिकली SMG या फिर शॉटगन रिस्क और रिकॉइल टोटली आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो गाइस अभी बात करते हैं मैं थर्ड टिप की, जो कि ड्रैग वर्सेस वन टैप। तो देखो भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग शॉटगन से ड्रैग हेडशॉट नहीं लगा सकते। अभी आपको पता ही है यार, शॉटगन भी कुछ ऐसी आ गई जिससे आप ड्रैग हेडशॉट लगा सकते हो, जैसे कि हमारी Mag 7। अभी Mag 7 से तो आप एक शॉट चला के बंदों को वन टैप नहीं लगाओगे ना भैया, Mag 7 में होता है फुचुक फुचुक फुचुक, ठीक है, उसमें कोई भी वन टैप नहीं होता। तो भाई सिंपल सी बात है, Mag 7 से आप लोग ड्रैग हेडशॉट भी लगा सकते हो बिल्कुल SMG के ड्रैग हेडशॉट की तरह। लेकिन देखो भाई, अभी ना मैं आपको ड्रैग हेडशॉट और वन टैप हेडशॉट के बीच में ना एक डिफरेंस जो होता है, वो पतली सी जो लाइन होती है ना, वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो गाइस सर, वन टैप उसको बोलते हैं जहां पर आपको एक ही शॉट में बंदे को ढेर करना होता है, मतलब कि आपको एक ही शॉट चलाने और वही शॉट बंदे के हेड पे लग
लगना चाहिए। और वहीं पर भाई ड्रैग हेडशॉट उसको बोलते हैं जहां पर आप एक से ज्यादा शॉट चलाकर बंदे को हेडशॉट लगाते हो, मतलब कि ये जो भी आप M87 से दो गोली मारकर बंदे को हेडशॉट लगाते हो ना, उसको ड्रैग हेडशॉट बोलते हैं, वन टैप नहीं। और भाई आप SMG से तो ड्रैग हेडशॉट ही लगाओगे। बेसिकली गाइस अगर आप शॉटगन से किसी भी SMG वाले बंदे को ड्रैग हेडशॉट लगाने का ट्राई करोगे ना, तो भैया वहां पर मुकाबला होगा टक्कर का, क्योंकि भाई यहां पर एक बंदे के पास है शॉटगन, दूसरे बंदे के पास है SMG और दोनों ही बंदे यहां पर ड्रैग हेडशॉट लगाने का ट्राई कर रहे हैं। बेसिकली गाइस मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आप शॉटगन यूज कर रहे हो ना, तो ड्रैग हेडशॉट से ज्यादा वन टैप पर फोकस करो। तो गाइस अभी जरा बात करते हैं हमारी फोर्थ टिप की, जो कि सिचुएशन और चॉइस की बात है भाई। तो देखो गाइस अगर आपको क्लोज रेंज में फाइट लेना बहुत ज्यादा पसंद है, तो फिर आपको शॉटगन को ही यूज करना चाहिए और उसमें ही वन टैप की एक्यूरेसी को इंक्रीज करना चाहिए। और गाइस आपको मिड रेंज में और थोड़ा सा सेफ रहकर, थोड़ा सा दूर रहकर बंदों को हेडशॉट लगाना पसंद है, फिर गाइस आपको SMG पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और वही SMG से आपको मिड रेंज और क्लोज रेंज दोनों में आपको ड्रैग हेडशॉट लगाना सीखना पड़ेगा। वहीं पर भैया शॉटगन में भाई आपको क्लोज रेंज में ही वन टैप लगाना है। तो गाइस चॉइस आपकी है, आप चाहो तो SMG भी चूज कर सकते हो और शॉटगन भी, बस दोनों ही अलग अलग सिचुएशन में यूज होती है। और भाई अगर आप चाहते हो कि आपके हेडशॉट ना जल्दी से जल्दी लगने चाहिए कम से कम प्रैक्टिस में, ठीक है, तो फिर भाई आपको यहाँ पर ना SMG को ही चूज करना चाहिए, क्योंकि भाई SMG से हेडशॉट लगाने में ना इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो बस गाइस यही था हमारा वीडियो, फटाफट वीडियो को लाइक कर देना और भाई सब्सक्राइब वाले बटन पे ना ड्रैग हेडशॉट लगाओ या फिर वन टैप, मुझे नहीं पता लेकिन वो बटन क्लिक हो जाना चाहिए। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी रॉ।